हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टूडेंट लाइफ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं RUHS BSc नर्सिंग का जो आपने एग्जाम दिया था उसकी जो काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट होने वाली है और क्यों इतना ज्यादा टाइम लग रहा है काउंसलिंग स्टार्ट होने में। और साथ ही हम बात करने वाले हैं कि जो आपके जो मार्क्स आए थे, किसी के 50 आए थे, किसी के 60 आए थे, किसी के 70, किसी के 35, किसी के 30, तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई जो है हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, हमें प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो हमारी BSc नर्सिंग जो RUHS की जो काउंसलिंग है वो क्यों इतनी ज्यादा देर हो रही है, क्यों इतना ज्यादा उसमें टाइम लग रहा है। RUHS की जो वेबसाइट है वो मैंने चेक की, उसमें ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया जिससे कि पता चल सके कि आपकी जो काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट होने वाली है। ये वाला मंथ तो आपका गया, अक्टूबर जो है लगने वाला है, तो अक्टूबर में ही आपकी जो है काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। और क्यों इतनी ज्यादा टाइम लग रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज है उनकी वजह से जो है इसमें जो है टाइम लग रहा है। प्राइवेट कॉलेज की कैसे, क्योंकि जो कुछ प्राइवेट कॉलेज है उनके पास NOC जो है वो है 40 सीटों की, और वो क्या करते हैं कि कोर्ट से जो होता है परमिशन लेके 10 सीट, 15 सीट या 20 सीट, 30 सीट जो है बढ़वा लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो इनकी जो 40 सीटें जो हैं वो फिक्स हैं, उसमें तो जो है ये एडमिशन दे देते हैं, रजिस्टर होता है, बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो रही आपकी जो 10 सीटें होती हैं उनमें ये एडजस्ट करते हैं, जैसे कि अगर आपने एडमिशन उसमें लिया तो सबसे पहले तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो काफी ज्यादा लेट होगा। अगर रजिस्ट्रेशन आपका लेट होगा तो आपको एडमिट कार्ड जो है वो जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो आपको लेट मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर आपको लेट मिलेगा, क्लासें आपकी लेट स्टार्ट होंगी, तब तक आपकी बहुत सारी क्लासें छूट जाएंगी, फिर रिजल्ट आपका तो काफी ज्यादा लेट हो जाओगे आप, जिस वजह से जो हमारा 4 साल का कोर्स है वो 5 साल में या 4.5 साल में जाके कम्प्लीट होगा। तो RUHS जो चाहती है कि ऐसा ना हो, जो बच्चे का जो टाइम है और फ्यूचर है वो बिल्कुल ही बर्बाद ना हो। RUHS ये चाहती है कि अगर आपके पास NOC 40 सीट की है तो आप 40 सीट में ही एडमिशन दो, बाकी आप जो है एडमिशन मत दो, बच्चों का टाइम वेस्ट मत करो। और लेकिन प्राइवेट कॉलेज जो है वो स्टे करा हुआ है, वो चाहता है कि हम जो है एडमिशन देंगे, इस पर भी देंगे और जो हमारी 10 सीटें हैं हम उस पर भी जो है एडमिशन देंगे। तो यही जो मैटर्स है ये अभी जो है कोर्ट में जो है इसका चल रहा है, तो अभी जो है यही मैटर जो है इसकी वजह से जो है काउंसलिंग डिले हो रही है और ये कोर्ट में चल रहा है। जब कोई भी इसका निर्णय आता है तब जाकर नोटिफिकेशन मिलेगा कब आपकी जो है काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए अभी आपको जो है वेट करना पड़ सकता है। अभी आपको 10 दिन या 15 दिन जो है वेट करना पड़ सकता है, 5 तारीख के बाद से भी आपकी जो है काउंसलिंग जो है अक्टूबर में स्टार्ट हो सकती है। कोई भी नोटिफिकेशन मिलता है मैं आपको बता दूंगा कब से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब, क्योंकि ये नर्सिंग चैनल है और नर्सिंग से रिलेटेड यहाँ हर एक वीडियो मिलती रहती है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ये जो मेरा नंबर है आप इस पर जो है मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे और मेरे ग्रुप में ज्वाइन होंगे, क्योंकि इस साल जो है हम एक ग्रुप बना रहे हैं जिसमें जो है सारे स्टूडेंट्स को जो है उसमें एड करेंगे जो इस साल जो है एडमिशन ले रहे हैं। और इस ग्रुप में ज्वाइन होने के क्या फायदे होंगे अब ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप मेरे ग्रुप में जो है ज्वाइन रहेंगे, उसमें आप ज्वाइन होंगे तो आपको उसमें सबसे पहले नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले आपको मिलेगी। दूसरी बात, आपको पता चलेगा कि जो सेमेस्टर है वो कितने महीने में रहता है, कब एग्जाम होते हैं और एग्जाम का पेपर पैटर्न कैसा आता है, वो भी मैं उस पर डाल दूंगा। और तीसरी बात, अगर कोई नोट्स है, प्रॉब्लम्स है, नोट्स आपको चाहिए तो वो आप कमेंट कर सकते हो, वो मैं उसमें प्रोवाइड कराऊंगा। NCP वो मैं उसमें प्रोवाइड कराऊंगा, कोई प्रोसीजर है वो मैं उसमें प्रोवाइड कराऊंगा, हेल्थ एजुकेशन किस तरह से देनी होती है वो हम अपने जो ग्रुप्स की वीडियो है वो उसमें शेयर करेंगे, पूरे अपने कॉलेज से रिलेटेड मैं उसमें शेयर करूंगा, नोट्स, नर्सिंग हर चीज उसमें शेयर करूंगा। तो जल्द से जल्द आप जो है इस नंबर पर जो है मैसेज करके और आप जो है ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप नर्सिंग करोगे तो। और अब हम बात कर लेते हैं कि आपके जो एग्जाम आपने दिया था उसमें आपके 50% मार्क्स आए हैं, किसी के 60% मार्क्स आए हैं, किसी के 45% मार्क्स आए हैं, तो आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो जो है मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ इसमें सब कुछ, इस वीडियो में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपने अभी तक मेरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जाकर आप देखिए, उसमें आप मैंने सब कुछ जो है A to Z बता रखा है, कितने मार्क्स पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज किसे मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज किसे मिलेगा, किसको प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहिए टॉप कॉलेज के लिए, किसको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहिए, ये वीडियो मैंने पूरा बनाया है।
बाकी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। और आपकी आई होप के जो आपकी काउंसलिंग है वो अक्टूबर की 5 तारीख के बाद से जो है स्टार्ट हो जाएंगी। तो लगता है कि समथिंग जो है जब तक स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि अभी काफी दिन है और जो कोर्ट का फैसला रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही जो है आपकी काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो जाएंगी। कोई भी नोटिफिकेशन आता है टेंशन न लो, मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो, कोई भी अपडेट आपका मिस ना हो। ऐसी वीडियोज के लिए हमें फॉलो करें नर्सिंग चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अलविदा एंड वंदे मातरम।